नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है बट धोखाधड़ी 100% हुई है। RRB ALP CBT2 रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। रिजल्ट में फिर से हुए धोखाधड़ी, यानी कि ग्रुप डी के बाद आपके ग्रुप डी में रिजल्ट में धोखाधड़ी हुई थी। ग्रुप डी के बाद आप ग्रुप सी में भी आपकी धोखाधड़ी स्टार्ट है। रेलवे ने फिर धोखाधड़ी की है, पार्ट बी में 100% धोखाधड़ी की गई है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भद्दा मजा किया हमारे लोग के साथ, बिल्कुल ही इररेलीवेंट चीज़ें दी गई नॉर्मलाइजेशन में। किसी बच्चे के तो 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, किसी बच्चे के तो 5 मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी बच्चे के तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। आखिर ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो सबको मिलना चाहिए उसका फ़ायदा। सपोज करिए, अगर शिफ्ट 22 तारीख की शिफ्ट 22 तारीख की शिफ्ट सेकंड में अगर एक बच्चे को 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिले हैं तो दूसरे को भी 12 मिलने चाहिए। इसको 12 मिले, इसको मिले नहीं, तो ये क्या मजाक है? क्या वो दोनों अलग शिफ्ट से, एक शिफ्ट होने के बावजूद भी लोगों के नंबर नॉर्मलाइजेशन नंबर सेम नहीं दिए गए हैं? नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से किया किसी को नहीं पता। किसी के तो नॉर्मलाइजेशन नंबर 120 मिले हैं, किसी को 5 मिले हैं, किसी को 2, किसी को मिले ही नहीं है। प्रोरेटेड मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही गलत दे रखे हैं। 60% बच्चे फेल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 60% बच्चे जिन्होंने ALP का एग्ज़ाम दिया था वो फेल हो रहे हैं। तो अब बहुत से बच्चों को पार्ट बी में प्रॉब्लम है, तो मैं प्रॉब्लम अभी शॉर्ट आउट करूंगा इस वीडियो में, सारी की बात बताऊंगा। पार्ट बी में जो भी गलत दिया है मैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कोई भी टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और हमारे कोई भी नए अपडेट्स और प्रेस अपडेट्स पाने के लिए या न्यू वीडियोस या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं उसे पाने के लिए आप लोग को हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं बच्चों के मार्क्स। अब देखिए आप, इनका रिजल्ट जो है, इनके प्रोरेटेड मार्क्स 37.66 है, आउट ऑफ 100 मार्क्स के कितने हैं 38.83 मार्क्स, बट नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके कितने 0 नंबर पड़े हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो फ़ायदा क्या हुआ सपोज करिए, इनको इनको क्या फ़ायदा हुआ बताइए आप? ये तो बच्चे फेल हो गए फिर, तो मतलब इनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन 0 नंबर हुआ है। और भी रिजल्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रिजल्ट देखें। देखिए इनका भी सेम कंडीशन है, इनके प्रोरेटेड मार्क्स तो 37.8 हैं बट क्या है, नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। देखिए आखिर ये है क्या, नॉर्मलाइजेशन में हुआ क्यों नहीं नंबर? अगर मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 10 नंबर बढ़े, इस बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़ने चाहिए थे क्या? क्यों नहीं मार्क्स बढ़े? रेलवे इसका जवाब दे। आप सभी लोग ट्विटर पर डाले सर मार्क्स में धोखाधड़ी हुई है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भद्दा मजाक किया गया, कुछ भी नहीं नॉर्मलाइजेशन किया, किसी को 0 नंबर, किसी को 20 नंबर। और देखते हैं भी आगे हम, तो इसमें क्या है, गलती किसकी है? रेलवे गलती, उन्होंने क्या है मार्क्स सही से कैलकुलेट ही नहीं किए। मैं तुम्हें सही बताऊँ तो बिल्कुल ही इररेलीवेंट चीजें बताई गई हैं, कुछ भी नहीं किया गया है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। नेक्स्ट देखें तो आप इस बच्चे के मार्क्स देख सकते हैं, इस बच्चे के आउट ऑफ भी देख लेते हैं हम, देख लेते हैं। देखिए इनके 75 नंबर आए, पार्ट बी वाले की बात कर रहे हैं ये, इनके 29 नंबर आए हैं, ठीक है, यानी कि ये पहले सोच रहे होंगे ये पास होंगे रिजल्ट से पहले, मतलब ने सोचा होगा मेरे 29 नंबर है मैं पास हूँ। इनके 100 में से भी क्या है 29 नंबर, क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई चीज़ 75 में से 29 है तो 100 में से 29 होगी? अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अगर सपोज अब इसको आप कैलकुलेट करके देखिए, सपोज करिए आपके 75 में से, सपोज करें आपके 75 में से आ रहे हैं 29 नंबर, तो यानी कितना परसेंट हो गया ये, 29 डिवाइड बाई आपका 75, तो लगभग लगभग आपके 38.66 मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आप इसी को 100 में से कर देंगे तो 29, अगर आपको इस मार्क्स को 100 में से करना होगा तो 29 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे आप, तो आपके ये मार्क्स निकल के आ जाएंगे कितने में से, निकल के आ जाएंगे 100 में से। तो 100 में से बच्चे कितने मार्क्स आने चाहिए थे, 100 में से इस बच्चे के मार्क्स आने चाहिए 38.66, बट इसके मार्क्स देखिए 100 में से कितने दिखा रहे हैं, 100 में से दिखा रहे हैं 29 मार्क्स, 100 में से 29 मार्क्स इसे आने कितने चाहिए, 38.66 नंबर आने चाहिए। तो यानी कि क्या है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में से एक भी नंबर नहीं दिया, यानी क्या हुआ घोटाला, यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है धोखाधड़ी यहाँ पे हुई है, रेलवे ने धोखा दिया है और आप लोग को इसके प्रति आपको खुद
खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, रेलवे डालना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। ये देखिए फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं है, अभी रिजल्ट में चेंजेस हो सकते हैं, अभी हम लोग के पास टाइम है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह इस चीज़ को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हैशटैग डालें पीयूष गोयल जी और अंगराज मोहन जी, प्रधानमंत्री मोदी, योगी, जहाँ के भी आप लोग बिलोंग करते, डालिए, क्योंकि गड़बड़ी हुई है पार्ट बी में और बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई है, कोई भी नहीं देखा गया है 75 में से क्या निकाला है। नेक्स्ट बच्चों का देख लेते हैं, और अब देखिए इनके 85 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए जिसमें 79 क्वेश्चन सही किए, यानी बहुत अच्छा मार्क्स। अगर आप नेगेटिव भी देखें तो इनके केवल 6 क्वेश्चन नेगेटिव है, तो इनके तो 6 क्वेश्चन नेगेटिव है, इनके इनको तो नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलना चाहिए और एक्स्ट्रा नंबर। इनके देखिए 100 में से कितने, 77 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 77 मार्क्स इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्क्स और एक्सीलेंट मार्क्स आप कह सकते हैं। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन अब देखिए 7700 में से मार्क्स, लेकिन इनके देखिए आप नॉर्मलाइज मार्क्स 103 हो गए, 100 में से 103, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। यानी कि इनको कितने नंबर मिले हैं, आपको देखिए इनको 26 नंबर मिले हैं, 26.5 नॉर्मलाइजेशन नंबर मिले। देखिए आप बताइए, इतने बड़े लेवल कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, अगर वहाँ पे आप वहाँ पे आपको 26 नंबर नॉर्मलाइजेशन दे दीजिए, यानी मुफ्त में दे दी गई रोटी ये है, ये 26 नंबर जो दिए गए हैं, लाखों बच्चों का करियर खराब कर दिया इस नॉर्मलाइजेशन ने, बेड़ा गर्क हो गया सबका। अब बताइए आप, इस बच्चे को 26.5 नंबर मिले हैं और इस बच्चे को मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, इसको 0 नंबर मिले, आखिर गलती क्या की थी इसने, जो इसके 37.80 नंबर है, इसको क्यों नहीं 26 नंबर मिले? अगर ये 26 नंबर मिले होते तो ये पास हो गया होता एलपी में आज, बट वही है, नॉर्मलाइजेशन नाम पे भद्दा मजाक किया रेलवे ने। और मार्क्स देखिए आप, एक बच्चा और है, उसने अपने मार्क्स देखिए, मेरे पास कल रात से लेके अब सुबह तक लगभग 1000 बच्चों ने अपना रिजल्ट भेजा है, मैंने उस पर एनालिसिस किया और लगभग हर हर बच्चे रिजल्ट पे पार्ट बी में गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी सही होनी चाहिए, रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए दोबारा। 62 नंबर इसके नॉर्मलाइज नंबर है, प्रोरेट मार्क्स 62 ही, तो क्या डिफरेंस है नॉर्मलाइजेशन में? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन? क्या हुआ नॉर्मलाइजेशन का, आखिर क्यों रेलवे ने ऐसा मजाक किया है? देखिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आया नॉर्मलाइजेशन का चक्कर का बिल्कुल भी। अब देखिए मार्क्स कम भी हो रहे हैं, अब इन इनका रिजल्ट देख लेते हैं, इन्होंने 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 32 क्वेश्चन के गलत हो गए, 15 इनके रॉन्ग क्वेश्चन है और 3 इनके इग्नोर क्वेश्चन है। तो अब देखिए इनके, अगर आप 27 में से आप ले मार्क्स इनके, तो 27 में से इन्होंने क्वेश्चन किए हैं 97 क्वेश्चन किए गए हैं, 27 और 97, तो अगर आप 27 में से इनका 97 पे निकालेंगे परसेंटेज, तो इनका लगभग 27.83 सही है, बट नॉर्मलाइजेशन नंबर कम कैसे हो गया बताइए? मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने चाहिए, इवन बच्चे ने भी खुद उम्मीद लगाई हुई मेरे 2-3 नंबर बढ़ेंगे, बट नंबर ही कम हो गए। हाउ इट मे बी पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन सही हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है, मजाक हुआ है, बहुत भद्दा मजाक किया रेलवे ने हमारे साथ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नाम पे तो आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, आप देख खुद दे सकते हैं, 27 में से आपके 25 नंबर हो गए, यानी कि आपके मार्क्स कम हो गए, तो ये मजाक किया गया रेलवे के साथ। देखिए इनको भी देखिए, ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए नॉर्मलाइजेशन नंबर में, एक बता चुका रिजल्ट। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए आप ये बच्चा है, इसके देखिए 100 में से 49 नंबर आए थे, इसके प्रोरेटेड मार्क्स भी 100 ठीक है, बट देख रहे हैं आप यहाँ पे 71 नंबर, यानी कि लगभग लगभग 22 नंबर इनको नॉर्मलाइजेशन नंबर दिया गया है। देखिए आप बताइए, किसी बच्चे को बेचारे -2 कर दिए हैं, यहाँ 71 कर दिए गए। अब इसका क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा आपको वीडियो क्लास में, तो वीडियो क्लास तक बने रहे। यहाँ देखिए कोई नॉर्मलाइजेशन नंबर हुआ ही नहीं है, कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं, ऐसे ही सब कुछ कर दिया है। अब देखिए, अब मैं बता देता हूँ कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का। सपोज करिए, अब देखिए जिन बच्चों के भी मार्क्स अगर 26 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं पार्ट बी में, पार्ट बी में अगर आप लोग के 27 मार्क्स आ रहे हैं, सपोज करिए आपको 27 नंबर आए, डिवाइड बाई 75 आप लोग करेंगे उसको, तो कितना होगा? 75 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 75, तो लगभग लगभग 0.36, इसको 100% निकाल देंगे तो 36% आना चाहिए, यानी कि आपके 36 मार्क्स आने चाहिए, जो कि रेलवे ने नहीं निकाला है। तो रिजल्ट अपडेट होगा मे बी, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन रिजल्ट अपडेट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जिन भी बच्चों के 27 नंबर अगर नॉर्म प्रोरेटेड मार्क्स दिखा रहा है आउट ऑफ 75 या 74 जो भी है, इंटू 100 करेंगे आप लोग, तो आप लोग के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आपके लगभग लगभग ये 36 नंबर आएंगे, उसमें आप लोग अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ लीजिएगा 5 से 6 नंबर, तो आपके 42 नंबर आने चाहिए और आप लोग CBT 3 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं 100%।
तो जिन भी मेरे भाई लोग के नंबर कम है, नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स हैं, वो लोग प्लीज़ प्लीज़ मैसेज जरूर करें, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह मुझे वीडियो में कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और भी ज़्यादा ज़्यादा। और देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, पार्ट बी में भी रिवाइज होने वाला रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट होगा, बिकॉज क्या है, बहुत सारे बच्चों के नंबर कम किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। क्योंकि देखिए अगर आप 27 में से 74 निकालते हैं आप लोग, तो लगभग लगभग परसेंटेज आते हैं उन्होंने क्या किया, 27 ही नंबर रख दिया है, 100 में से भी 27। अगर कोई मार्क्स 74 में से 27 हैं और उसको आप 100 में से कर रहे हैं, तो मार्क्स बढ़ने चाहिए, इवन परसेंटेज भी बढ़ने चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं की गई रेलवे द्वारा। दिखा, मैं आपको रेलवे में दिखा देता हूँ। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए, देखिए इनका ये पार्ट बी, किसी का पार्ट बी का रिजल्ट देखते हैं हम लोग। पार्ट बी, नो नो, पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट ए, देखिए देख गलती कहाँ पे, आप दिखाता हूँ आपको। देखिए इनके 29 मार्क्स आ रहे हैं, सपोज करिए पार्ट ए में 29 मार्क्स अगर आ रहे हैं, अगर इनके 29 मार्क्स को अगर आप डिवाइड करेंगे 75, इनके क्वेश्चन 75 सही थे, ठीक है, 29 में 70, तो इनके जो प्रोडक्ट मतलब 100 में आने चाहिए, वो लगभग आना चाहिए 38.66। बट क्या है, इनके साथ चीटिंग हुई है, इनको कुछ नहीं चेंज किया, नॉर्मलाइजेशन नंबर भी सेम कर दिया गया है। देखिए कुल मिलाकर रेलवे ने जो रिजल्ट निकाला है, उसमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी पूरी पूरी साफ दिखाई दे रही है। ये चेंज होना चाहिए, डेफिनेटली रिजल्ट, डेफिनेटली रिवाइज रिजल्ट आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप लोगों को वीडियो में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अपने सारे मार्क्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं फिर एक नई वीडियो बना के ले आऊँगा अभी आपके लिए IELTS यूट्यूब पर। तब तक के लिए धन्यवाद।